निहारे का नेता कैसा हो, मरीज तिवारी संघर्ष करो। जी आज लुधियाना में जिस तरह मनीष तिवारी जी पहुंचे हैं तो आज उन्हीं से बात करते हैं, कुछ उनसे पूछते हैं तीखे और मीठे सवाल जो लुधियाना पहुंचे हैं। जी देखिए ऐसा है कि मैं 2004 और 2009 में लुधियाना से कांग्रेस का उम्मीदवार था। बहुत प्यार सत्कार सहयोग लुधियाना की जनता ने मुझे दिया और 2014 में भी उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन के भेजा। मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। जो सेवा पार्टी लगाएगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है, ये आपकी मीडिया की मनगढ़ंत ख्याली पुलाव हैं। कांग्रेस पार्टी में ना कभी ग्रुप था और ना कभी ग्रुप है। हाँ, कहानी बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए अगर आप कांग्रेस पार्टी को बांटना चाहते हैं वो आपका दृष्टिकोण है। तो 2019 में क्या चुनाव लड़ेंगे जी आप? मैंने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी लगाएगी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। देखिए ये तो एक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है, कोई कांग्रेस पार्टी की या पंजाब सरकार की रिपोर्ट तो है नहीं। जुडिशियल कमीशन ने जो पाया कि जो उस घटना की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सच्चाई थी, वो लोगों के समक्ष रखी है। देखिए ऐसा है कि ये कोई कांग्रेस बनाम अकाली दल मुद्दा नहीं है। जो वहाँ पे हुआ था वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, उसकी जो सच्चाई है वो जुडिशियल कमीशन ने उजागर कर दी है। देखिए ऐसा है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में ली गई है, उसको अपने संज्ञान में लेकर अकाली दल को इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी 2019 का चुनाव इस देश का जो ख्याल है, जिसे आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में, उसको बचाने के लिए, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए और इस देश में एक अमन शांति सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बहाल करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। 6 महीने बाद लोग उसका जवाब श्री नरेंद्र मोदी को देंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष तिवारी जी, जिन्होंने आज आपने देखा कि लुधियाना में जिस तरह उनके जो है नारे लगाए गए, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोबारा जो है लुधियाना से अपने 2019 के जो लोकसभा के चुनाव है वो लड़ सकते हैं। लुधियाना से अभिषेक के साथ अमनदीप खैरा, टाइम्स पंजाब टीवी।